वालेकुम, आई एम मिस किरण, आई एम टीचर ऑफ मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और जो है आप लोग घरों में होंगे, क्योंकि COVID-19 की वजह से ही आपको वेकेशंस मिली हैं। और अपना बहुत ख्याल रखें, मास्क वेयर करें, मास्क के बगैर आप लोग बाहर ना जाएं। मास्क जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आप अपने हैंड्स को बार बार वॉश करें, अपने हाथों को साफ रखें, अपना ख्याल रखें। और जो है जैसे ठंड पड़ रही है तो आप लोग अपना ख्याल रखें, ज़्यादा ज़्यादा जो है आप लोग जो है गर्म चीज़ों का इस्तेमाल रखें, सूप वगैरह आप पिएं और अपना बहुत ख्याल रखें और ज़्यादा बाहर ना जाएं, क्योंकि आपको जो छुट्टियां इसीलिए मिली हैं क्योंकि कोविड की वजह से ही आपको ऑफ मिला है। तो इसलिए आप लोग जो अपना ख्याल रखें और घर में रहें, अपनी मम्मा पापा का जो है कहना माने, क्योंकि मम्मा पापा जो कहते हैं वो बिल्कुल सही बात होती है, ठीक है। और जो हम लोग वर्क आपको दे रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, वो भी आप लोग जो उसके लिए फाइनल पेपर के लिए भी आप लोग प्रिपरेशन करें। आपके पास तो बहुत अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप जो है अभी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपके यहाँ वीडियोज़ आ जाती हैं, सुबह में आपने वर्क अपना कम्प्लीट किया, उसके बाद देन उसे रीड करा, लर्न करा, बहुत अच्छा सा आप लोगों को लर्न हो सकता है, हर चीज़ याद हो सकती है। आप अब जैसे मैथ्स है, मैथ्स में आप बार बार कैलकुलेशन कर सकते हैं, बार बार उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, टेबल्स हैं, टेबल्स आप बार बार अपनी रफ़ कॉपी में लिखें, बार बार उसकी प्रैक्टिस करें, आप देखिएगा आपकी मैथ्स भी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको टेबल्स याद हो जाएंगे। टेबल्स मैंने आपको 8 तक करवाया है, मगर आप आगे भी आप टेबल ख़ुद भी याद कर सकते हैं, आप 9 का टेबल याद कर सकते हैं ख़ुद ही। जो है ये है कि आपको टेबल जो है जितने अच्छे याद होंगे, आपकी मल्टीप्लिकेशन उतनी अच्छी होगी, आपकी डिवीजन इतनी अच्छी होगी और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। आप जब 2 में जाएंगे तो आपको जब क्वेश्चन लिखा जाएगा मल्टीप्लिकेशन का, तो आप फौरन आप क्विकली आप आंसर कर सकते हैं। इसीलिए जो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप जो याद करें, आपके पास टाइम बहुत है, आप जो अपने वक्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई को दें। इंग्लिश है आप उसकी रीडिंग करें, उर्दू है आप उसकी रीडिंग करें कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना आ जाए, हर एक चीज़ हर एक वर्ड समझ में आ जाए। तो इसीलिए जो आप कोशिश किया करें, आप अपनी खुद स्टोरी बुक्स लेकर आए बाहर से, स्टोरी पढ़ा करें, क्योंकि स्टोरी जब आप पढ़ेंगे तो स्टोरी से जो आपकी और अच्छी होगी, आपकी रीडिंग पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। इसीलिए जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडीज़ को टाइम दें, उस पर बहुत फोकस करें, क्योंकि जो है यह है कि आपके पास इतना टाइम है, आपके पास वक्त है, तो आप लोग इसको जो है ज़ाया ना होने दें, खेल कूद में खेलें आप लोग, कोई मना नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इंसान जो है वर्क काम करता है, अपना काम कर रहे हैं आप, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप जो एग्जॉस्ट हो जाते होंगे, बट आप अपना खेल का भी एक टाइम बनाएं कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक खेलना है और इतने बजे से इतने बजे तक होमवर्क करना है, होमवर्क करने के बाद हमें रीड करना है, लर्न करना है उसी चीज़ को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर अब जो है हम लोग अपने वर्क की अपने जो है वर्क की तरफ आते हैं। ओके स्टूडेंट, टेक आउट योर मैथ कॉपीज़। मैथ कॉपी में मैंने आपको उस दिन जो ऑर्डियन नंबर करवाया था, तो फिर आप लोगों ने जो अपने ऑर्डियन नंबर्स करके और मुझे जो है पिक्चर भेज दी थी। स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी पिक्चर भेज दी थी आपने मुझे ऑर्डियन नंबर करके। और हमने उससे पहले क्या करवाया था, मैंने आपको करवाया था इनवर्ड्स काउंटिंग, कहाँ से 71 से 80 तक। तो आपने ये भी करके और मुझे पिक्चर भेज दी थी। आपने बहुत अच्छा जो है काम किया है स्टूडेंट, बहुत आप लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत नीट एंड क्लीन वर्क कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे जो बहुत खुशी होती है जब आपका जो है मेरे पास काम आता है, वर्क आता है ग्रुप में, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आपने बहुत अच्छा बिल्कुल टीचर की तरह जो है काम किया है, डेट मेंशन किया आपने। स्टूडेंट्स, इसी तरह आपको काम करना है अपना और अपना बहुत ख्याल रखना है। तो फिर आज का जो है हम काम स्टार्ट करते हैं। ओके, राइट डाउन दी डेट हेयर, राइट डाउन दी टुडे डेट हेयर एंड CW। ये जो हमारा आपको जो मैं काम करवाऊंगी ऑनलाइन क्लासेस में, ये आपका क्या है, क्लास वर्क है। क्या है? क्लास वर्क। और उसके बाद मैं आपको होमवर्क भी दूंगी। होमवर्क आपके एक दो क्वेश्चंस होंगे, तो वो क्या होगा, वो आपका होमवर्क होगा। तो आप लोग वहाँ पे क्या नाम है, वो जो है वर्क करने के बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, HW। घर का जो काम होता है वो होता है HW, और जो क्लास वर्क होता है, जैसे हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, और जो काम हम खुद आपको करके दिखा रहे हैं वो आपका क्या है, क्लास
क्लास वर्क है, ओके स्टूडेंट, तो वो उसमें आप लोग सी डब्ल्यू लिखेंगे। तो फिर आज मैं जो आपको काम करवाऊंगी उसके लिए मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, डॉजिंग टेबल, डॉजिंग टेबल। डॉजिंग टेबल जो आपका पहला वर्क है, जो कि आपको नहीं पता होगा कि डॉजिंग टेबल्स क्या होते हैं, तो फिर मैं आज आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि डॉजिंग टेबल्स होते क्या हैं, और आप लोग जो है मेरे साथ साथ जो है अपना काम करते रहिएगा वीडियो देख के। और जब आप लोग जो है मेरी वीडियो देखते हैं तो फिर जो है वो वीडियो जो है आपको अच्छी लगती है तो आप लोग ज़रूर लाइक किया करें उसे, हमारे पेज को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो है वीडियो को जो है बहुत अच्छे से देखें और उसको शेयर करें, और जो है कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग, ओके स्टूडेंट। तो डॉजिंग टेबल ये होता है, जैसे कि मैंने आपको टेबल्स करवाए हैं 2 से लेकर 8 तक, तो आज मैं आप लोगों को जो करवाऊंगी वो बीच बीच में से टेबल करवाऊंगी, जैसे कि 2 टाइम 2 इज, उसके बाद मैं 2 टाइम 4 इज नहीं लिखूंगी, आपको पता है 2 का टेबल 2 टाइम 1 इज से शुरू होता है, मगर मैं आपको जो बीच बीच में से करवाऊंगी तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे 2 टाइम 2 इज 4। इसी तरह आपका क्वेश्चन भी हो सकता है कि मैं जो आपसे ऑनलाइन क्लासेस में क्वेश्चन भी कर सकती हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैंने जो आप लोगों को जो काम जो ऑनलाइन वीडियो दी है तो उसमें जो मैंने आपको जो टेबल करवाया था डॉजिंग टेबल, तो आप मुझे बताइए 2 टाइम 2 इज, इस तरह मैं आपसे क्वेश्चंस कर सकती हूँ। इसीलिए जब आप लोग ये जो है राइट करें तो आप लोग इसे लर्न भी करें, ओके स्टूडेंट्स। 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 3 इज 12, 4 टाइम 3 इज 12, 4 टाइम 3 इज 12, 3 टाइम 9 इज 27, 3 टाइम 9 इज 27, 5 times 7 is 35, 6 times 6 is 36, 6 times 3 is 18, 6 times 3 is 18, 7 times 4 is 28, 7 times 4 is 28, 8 times 9 is 72। तो आपका डॉजिंग टेबल इसी तरह है कि मैंने आपको बीच बीच में से नंबर्स टेबल्स लिख कर दिया है, आपने बिल्कुल इसी तरह लिखना है। और डॉजिंग टेबल का मतलब यही होता है, अगर आपके क्वेश्चन आ गया डॉजिंग टेबल तो आपके पास बीच बीच में से ही जो टेबल्स आएंगे, ओके स्टूडेंट। 2 times 2 is 4, 4 times 3 is 12, 3 times 9 is 27, 5 times 7 is 35, 6 times 6 is 36, 6 times 3 is 18, 7 times 4 is 28, 8 times 9 is 72। आपको ही बिल्कुल इसी तरह पढ़ के ये टेबल लिखना है, ओके स्टूडेंट, और मैं आप लोगों से पूछूंगी, ठीक है, तो आप लोग इसे जो है लर्न कर लीजिएगा, ओके। तो कॉपी वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, अब हम बुक वर्क करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। चलें स्टूडेंट्स, अब हम बुक वर्क करेंगे काउंटडाउन, ओपन न्यू काउंटडाउन बुक, ठीक है। तो पेज नंबर 16, आज हम पेज नंबर 16 करेंगे, इससे पहले जो हमने करा था पेज नंबर 15 किया था हमने, पेज नंबर 15 किया था हमने जो डिवीज़न के क्वेश्चन थे, तो आज जो है हम पेज नंबर 16 करेंगे, इसमें भी आपके पास डिवीज़न के ही क्वेश्चन है, पेज नंबर 16, ओके स्टूडेंट। राइट डाउन द डेट हेयर एंड सी डब्ल्यू,
सी डब्ल्यू। आज भी हम डिवीजन के ही क्वेश्चन करेंगे, डिवाइड द नंबर्स टू आंसर दिस। तो फिर आपके पास फर्स्ट एग्जांपल जो है आपके पास जो है हुई भी है, या आपकी फर्स्ट एग्जांपल है। एग्जांपल आपके पास फिल इसलिए हुई भी होती है कि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस तरह होना है। तो मैंने तो आपको बता दिया था कि डिवीजन के क्वेश्चंस के लिए आपको याद होने चाहिए क्या, टेबल्स। तो इसीलिए आपको टेबल्स याद करने हैं बहुत अच्छी तरह। तो इसीलिए आपने, जब टेबल्स आपको याद हो जाएंगे, डिवीजन के क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएंगे। इसीलिए आप लोग जो टेबल्स याद करें और जो है बहुत अच्छा सा बिल्कुल पक्का वाला याद करें। ओके स्टूडेंट, तो फिर अब जो है हमें ये करना है कि यहाँ पे जो है आपके पास, चले बी करना है पहले। तो ये फाइव है आपके पास, अब आपको फाइव का टेबल वहाँ तक पढ़ना है जब तक आपके पास क्या नहीं आए, 25 नहीं आए। तो अब हम फाइव का टेबल पढ़ते हैं। फाइव टाइम वन इज़ फाइव, फाइव टाइम टू इज़ टेन, फाइव टाइम थ्री इज़ 15, फाइव टाइम फोर इज़ 20, फाइव टाइम फाइव इज़ 25। तो राइट डाउन दी फाइव, तो फाइव टाइम फाइव इज क्या हुआ है, 25। तो राइट डाउन दी फाइव। ओके, अब हम ये वाला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन के लिए आपको कौन सा टेबल पढ़ना है, आपको ये वाला फोर का टेबल आपको याद होना चाहिए पक्का। तो अब हम फोर का टेबल पढ़ते हैं। फोर टाइम वन इज फोर, फोर टाइम टू इज एट, फोर टाइम थ्री इज ट्वेल्व, फोर टाइम थ्री इज ट्वेल्व। तो राइट डाउन दी थ्री। अब जो 18 है, 18 के लिए आपने कौन सा टेबल पढ़ना है, जल्दी से बताएं। आपको थ्री का टेबल पढ़ना है। थ्री टाइम वन इज थ्री, थ्री टाइम टू इज सिक्स, थ्री टाइम थ्री इज नाइन, थ्री टाइम फोर इज ट्वेल्व, थ्री टाइम फाइव इज 15, थ्री टाइम सिक्स इज 18। वाह, या राइट डाउन दी सिक्स। तो आपको जो है थ्री टाइम सिक्स इज 18। दोबारा आपको थ्री का टेबल पढ़ना है। थ्री टाइम वन इज थ्री, थ्री टाइम टू इज थ्री टाइम टू इज सिक्स, थ्री टाइम थ्री इज नाइन, थ्री टाइम फोर इज ट्वेल्व, थ्री टाइम फाइव इज 15, थ्री टाइम सिक्स इज 18, थ्री टाइम सेवन इज 21, थ्री टाइम एट इज 24, थ्री टाइम एट इज 24। आपने राइट डाउन क्या करना है, एट। राइट डाउन दी एट। तो आपने जो कौन सा टेबल में, थ्री का टेबल आपने वहां तक पढ़ना था जहां तक 24 नहीं आना था। टू टाइम वन इज टू, टू टाइम टू इज फोर, टू टाइम थ्री इज सिक्स, टू टाइम फोर इज एट, टू टाइम फाइव इज टेन, टू टाइम सिक्स इज ट्वेल्व, टू टाइम सेवन इज 14। तो राइट डाउन दी सेवन। मज़ा आ रहा है आपको डिवीजन के क्वेश्चन करते हुए, डिवीजन के क्वेश्चन करते हुए मज़ा आ रहा है आपको टेबल पढ़ने में, क्योंकि टेबल जो है आपको याद होगा तो वह पढ़ने में भी मज़ा आएगा। जैसे कि टीचर को आ रहा है, उसी तरह आप लोगों को भी याद होने चाहिए टेबल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर आपको भी डिवीजन के क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। अब यहाँ पे भी आपको टू का टेबल पढ़ना है। टू टाइम वन इज टू, टू टाइम टू इज फोर, टू टाइम थ्री इज सिक्स, टू टाइम फोर इज एट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, फोर। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर टू टाइम फोर इज एट। अब हम फाइव का टेबल पढ़ते हैं। फाइव टाइम वन इज फाइव, फाइव टाइम टू इज टेन, फाइव टाइम थ्री इज 15, फाइव टाइम फोर इज 20, फाइव टाइम फाइव इज 25, फाइव टाइम सिक्स इज 30। तो राइट डाउन दी सिक्स। आपने क्या लिखना है, सिक्स। फाइव टाइम सिक्स इज 30।
टेन का टेबल तो सबसे इजी होता है, ये तो आप लोगों को याद होना चाहिए। टेन टाइम वन इज टेन, टेन टाइम टू इज 20। वाओ, टेन का टेबल तो सबसे इजी होता है और सबको याद भी होता है। टेन का टेबल तो याद ही नहीं करना पड़ता, बस एक बार समझ जाए क्या होता है टेन के टेबल में। टू टाइम वन इज टू, टू टाइम टू इज फोर, टू टाइम थ्री इज सिक्स, टू टाइम फोर इज एट, टू टाइम फाइव इज टेन, टू टाइम सिक्स इज ट्वेल्व, टू टाइम सेवन इज फोर्टीन, टू टाइम एट इज सिक्सटीन, टू टाइम नाइन इज एटीन, टू टाइम नाइन इज एटीन। अब जो आपको कौन सा टेबल पढ़ना है, आपको थ्री का टेबल पढ़ना है। तो फिर अब आपको कौन सा टेबल पढ़ना है, आपको थ्री का टेबल पढ़ना है। थ्री टाइम वन इज थ्री, थ्री टाइम टू इज सिक्स, थ्री टाइम थ्री इज नाइन, थ्री टाइम थ्री इज नाइन। राइट डाउन दी थ्री, इधर भी थ्री का टेबल पढ़ना है आपको। थ्री टाइम थ्री इज नाइन, थ्री टाइम फोर इज ट्वेल्व, थ्री टाइम फाइव इज फिफ्टीन। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, राइट डाउन दी फाइव। अब फाइव का टेबल आपने यहाँ पे पढ़ना है। फाइव टाइम वन इज फाइव, फाइव टाइम टू इज टेन, फाइव टाइम थ्री इज फिफ्टीन। राइट डाउन दी थ्री। अब दोबारा आपको थ्री का टेबल पढ़ना है। थ्री टाइम वन इज थ्री, थ्री टाइम टू इज सिक्स, थ्री टाइम थ्री इज नाइन, थ्री टाइम फोर इज ट्वेल्व, थ्री टाइम फाइव इज फिफ्टीन, थ्री टाइम सिक्स इज एटीन, थ्री टाइम सेवन इज ट्वेंटी वन, थ्री टाइम फोर इज ट्वेंटी फोर, थ्री टाइम नाइन इज ट्वेंटी सेवन। राइट डाउन दी नाइन। अब जो है आपने यहाँ पे पढ़ना है फोर का टेबल। फोर टाइम वन इज फोर, फोर टाइम टू इज एट, फोर टाइम थ्री इज ट्वेल्व, फोर टाइम फोर इज सिक्सटीन। राइट डाउन दी फोर। मज़ा आ रहा है आप लोग को डिवीजन के क्वेश्चंस में, टेबल्स पढ़ने में मज़ा आ रहा है? आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा ग्रुप में कि आपको मज़ा आया आज इस क्वेश्चंस में या नहीं। टू टाइम टेन इज ट्वेंटी, तो बहुत इजी था। टू टाइम टेन इज ट्वेंटी, इसी तरह आप लोग जल्दी से लिख लेंगे वाला, है ना? तो आपको टेबल नहीं पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि टीचर ने भी जल्दी से लिख लिया। अब जो है यहाँ पे फाइव टाइम वन इज फाइव, फाइव टाइम टू इज टेन। राइट डाउन दी टू। ओके, फोर टाइम वन इज फोर, फोर टाइम टू इज एट, फोर टाइम थ्री इज ट्वेल्व, फोर टाइम फोर इज सिक्सटीन, फोर टाइम फाइव इज ट्वेंटी, फोर टाइम सिक्स इज ट्वेंटी फोर, फोर टाइम सेवन इज ट्वेंटी एट, फोर टाइम सेवन इज ट्वेंटी एट। ओके स्टूडेंट्स, फोर टाइम सेवन इज ट्वेंटी एट, फोर टाइम सिक्स इज ट्वेंटी फोर। अच्छा, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया है लास्ट में भाई। वाह, अब बताएं फोर का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे जो फोर आ जाए। फोर टाइम वन इज फोर, तो आप राइट डाउन दी वन। फोर का टेबल तो एक ही बार पढ़ेंगे, फोर टाइम वन इज फोर। अब जो थ्री टाइम, थ्री टेन्स आर थर्टी, थ्री टाइम टेन इज थर्टी। ये भी बिल्कुल ये वाले क्वेश्चन की तरह है। कौन सा एक क्वेश्चन आया था, ये वाला, टू टाइम टेन इज ट्वेंटी, इसी तरह थ्री टाइम टेन इज थर्टी। ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग टू क्वेश्चंस रह चुके हैं। अब जो हम ये क्वेश्चन भी जल्दी से कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलें अब ये टू टाइम वन इज टू, टू टाइम टू इज फोर,
टू टाइम थ्री इज सिक्स, टू टाइम फोर इज एट, टू टाइम फाइव इज टेन, टू टाइम सिक्स इज ट्वेल्व. तो राइट डाउन दी सिक्स. थ्री, थ्री टाइम वन इज थ्री, थ्री टाइम टू इज सिक्स, थ्री टाइम थ्री इज नाइन, थ्री टाइम फोर इज ट्वेल्व, थ्री टाइम फाइव इज फिफ्टीन, थ्री टाइम सिक्स इज एटीन, थ्री टाइम सेवन इज ट्वेंटी वन. तो पेज नंबर 116 हैज़ बीन कम्प्लीटेड. तो फिर आप लोगों को इसमें जो है ये वाला क्वेश्चंस में मज़ा आया या नहीं, और आप लोग ये जो है अपने टेबल्स याद कर लीजिएगा और उसके बाद ये क्वेश्चंस खुद कीजिएगा. अगर कुछ समझ में ना आए तो आप भी मम्मा से हेल्प ले सकते हैं, मगर टीचर ने ही वीडियो में बहुत अच्छा आप लोगों को समझाया है, तो आप लोग ये क्वेश्चन खुद ही कर लीजिएगा वीडियो देख के. ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, पेज नंबर 117 ये आपको मैं एच डब्ल्यू में बता रही हूँ. मैं आपको थोड़ा सा ही क्वेश्चन समझा देती हूँ, तो ये आप लोग जो है अपने होमवर्क में कर लीजिएगा. किस में कर लीजिएगा? एच डब्ल्यू आप लोग ज़रूर मेंशन कीजिएगा और ये वर्क होमवर्क में कर लीजिएगा. ये क्या है? वर्ड प्रॉब्लम्स डिवीजन, डिवाइड टू आंसर दिस. ओके स्टूडेंट्स, अब जो है आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इसमें अहमद शेयर्ड हैज़ 10 कॉमिक बुक्स इक्वली विद वक्कार. हाउ मैनी कॉमिक बुक्स डज ईच बॉय. अब जो 10 कॉमिक बुक्स हैं वो आपको क्या करना है, शेयर करना है. तो आप शेयर में क्या करेंगे, देखें इक्वली आपको जो अहम जो है डिस्ट्रीब्यूट करनी है. ओके, तो एक कॉमिक बुक किसके पास जो है जाएगी, कितनी कॉमिक बुक जाएगी, तो 10 डिवाइडेड बाय 2. तो हम 2 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे जब 10 आ जाए. 2 टाइम 1 इज 2, 2 टाइम 2 इज 4, 2 टाइम 5, 2 टाइम 2 इज 4, 2 टाइम 3 इज 6, 2 टाइम 4 इज 8, 2 टाइम 5 इज 10. तो स्टूडेंट्स आप देखें, इसीलिए 2 टाइम 5 इज 10, तो यहाँ पे क्या आया, आपने देखा आंसर में क्या आ रहा है, 5. ओके स्टूडेंट, तो ये तो आपकी एग्जांपल हुई भी. अब मैं आपको एक क्वेश्चंस करके दिखा देती हूँ, तो फिर आपको ये वाला पेज करना बहुत इजी हो जाएगा. 20 बैलून्स आर शेयर्ड इक्वली अमंग 5 चिल्ड्रन. 20 बैलून्स है, उसको शेयर करना है 5 चिल्ड्रन ने. हाउ मैनी बैलून्स डज ईच चाइल्ड, एक चाइल्ड को कितने जो है बैलून्स मिले. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, तो 5 टाइम 1 इज 5, 5 टाइम 2 इज 10, 5 टाइम 3 इज 15, 5 टाइम 4 इज 20, 4 कितने मिले एक चाइल्ड को, 4 बैलून्स. ओके स्टूडेंट, तो पेज जो है मैंने आपको ये बता दिया है, एक जो है फिल करके सॉल्व करके मैंने आपको बता दिया है, और आपको बिल्कुल ये इसी तरह सॉल्व करना है. आगे भी आपको इसी तरह ही क्वेश्चंस करने हैं. ये आपका होमवर्क है, एच डब्ल्यू है, इसमें आप लोग ज़रूर टॉप ऑफ द पेज एच डब्ल्यू मेंशन कीजिएगा और ज़रूर ये वर्क कर और मुझे जो है ज़रूर आप पिक्चर भेजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आप लोगों को क्या क्या करवाया है, आज मैंने आपको सबसे पहले डॉजिंग टेबल करवाए हैं, जो कि टेबल ऑफ 2 से 8 तक बीच बीच में से मैंने टेबल्स लिखे हैं, और मैंने आपको ये काम जो है करके दिखाया है. डॉजिंग टेबल आपको मैथ्स की कॉपी में करना है. उसके बाद मैंने आपको क्या करवाया था, बुक वर्क करवाया था. ओके स्टूडेंट्स, तो बुक वर्क में मैंने क्या करवाया है, पेज नंबर 16 पर मैंने आपको डिवीजन के सारे क्वेश्चन खुद कर दिखाए हैं. पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको करके दिखाई है, ए से लेके वी तक पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको टेबल पढ़कर बहुत अच्छी तरह समझाया है. इसीलिए ये आप जो मैंने आपको जो होमवर्क दिया है ये भी आप लोग खुद करिएगा. ओके स्टूडेंट, मम्मा से अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मम्मा से हेल्प ले सकते हैं, मगर कोशिश कीजिएगा कि आप ये
क्वेश्चंस खुद करें। जब तक हम कोई क्वेश्चन खुद नहीं करते तो हमें समझ में नहीं आता है, इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा क्वेश्चंस खुद करने की। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है आप लोगों अगर कोई भी डिफ़िकल्टीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन को समझ नहीं आ रहा, या कोई भी मुश्किल है या कोई भी डिफ़िकल्टीज़ है, तो इफ़ यू एनी कन्फ्यूजन एंड प्रॉब्लम सो यू विल फ्रीली डिस्कस विद मी, आई विल गाइड यू। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।